फ्रेंड्स, होप आप सब बहुत मजे में होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अभी तो हम फिलहाल कैट की बात कर रहे हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि हम आने वाले दिनों में क्वांट की और वर्बल की भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्बल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। इसी के साथ साथ आप में से बहुतों ने मेरी LR की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो में कमेंट भी किया था कि आपको वर्बल एंड क्वांट की भी चाहिए। तो अब आपने रिक्वेस्ट की है, आप चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम हुई है, तो हम कैसे नहीं लेकर आते। ठीक है, तो आज बात करते हैं वर्बल की, हम कैसे तैयारी करेंगे। अच्छा, वर्बल के बाद हम क्वांट की भी लेकर आएंगे एंड उसके बाद हम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की भी बताएंगे कि आपको अटेम्प्ट करना कैसे चाहिए। तो जो आज हम VE की बात करेंगे उसको मैं दो सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगी। एक है आपका RC वाला पार्ट, दूसरा होगा जो मेरा वर्बल एबिलिटी का, जिसमें हमारा ऑड वन आउट, पैरा जंबल, पैरा समरी ये आते हैं। ठीक है, तो पहले हम RC की बात करते हैं कि आपको RC कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, ऑलरेडी जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब कैट के एग्जाम के लिए लोग जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, तो जो कर रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने काफी हद तक वो बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। लेकिन जो अभी भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं, कुछ ही दिन कम कर लीजिए 4 महीने में से, तो हम अभी भी स्टार्ट करेंगे तो भी वर्बल में 95%+ ईजिली एस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर आपने वैसे किया, यस कामनेस इज दी की, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रिपरेशन किसी ने कितनी कर ली हो, चाहे जनवरी से की हो, चाहे कितने सालों से की हो, अगर कामनेस नहीं आएगी ना, पेपर में कबाड़ा गड़ दोगे आगे। ठीक है, तो पहली बात, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं VA के लिए, डेली के RC करना ऑब्वियस ही बात है। तो पहली बात जो हम RC प्रिपरेशन की करेंगे वो है, RC की तैयारी कर रहे हैं तो RC की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट? तो डेली के 2 RC, जैसे कि मैंने आपको पजल में बताया था कि डेली के आपको 2 से 3 पजल करनी है। ठीक है, तो जब मैंने कंसोलिडेट करके आपको बताया था तो लगा था ना कि हम इतनी सारी पजल्स कर लेंगे, तो सेम तरीके से, सेम वे में हमें RC की भी तैयारी करनी है। तो आप डेली के सिर्फ 2 RC कीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। डेली के 2 RC करने में कितना टाइम लगता है, अगर आप तो थोड़ी बहुत तो पढ़ना आता है या रीडिंग तो हम करते हैं, तो अगर 1 RC को पढ़ना, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि जुबान के नीचे से गुजार लिया, ऑब्वियसली कॉम्प्रीहेंड करना है आपने, क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं, समझना है, अपनी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि आपने वो आंसर क्यों मार्क किया, और एक्सप्लेनेशन देखिए कि ऑथर ने या जो भी जिस बुक से भी आप कर रहे हैं वहाँ उसने वैसा आंसर मार्क क्यों किया है, क्या आप दोनों के आंसर्स मैच करते हैं, क्या वो पैराग्राफ में मेंशन था, नहीं मैच करते तो वो क्या कह रहा है, क्यों उसका बेटर है, आपका बेटर है, वो सब चीज़ें डिस्कस कीजिए। एंड एज यूजुअल डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, बाकी लोगों से जो जिन जो उनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी कोई कोई पैराग्राफ है, कोई कोई RC है, आप डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग या सोचने का दायरा और बड़ा हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 2 RC आपने डेली के करने हैं। तो अगर इस तरीके से मैं बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आप डेली के 2 RC कीजिए, विच मीन्स 10 RC ये हमारे करेंगे। अगर 10 RC आप 1 हफ्ते में कर रहे हैं तो अभी हमारे पास 1 महीने में 4 हफ्ते में 40 RC हो गए, और उसके हिसाब से हम 4 महीने में 160 RC कर लेंगे। ठीक है, तो ये 160 RC, बट मेक श्योर ये जितने भी RC आप करेंगे आप ये सारे एरिया से कवर कीजिएगा। सारे एरिया से कहने का मतलब ये है कि उनमें फिलोसफी के भी होने चाहिए, हिस्ट्री के भी होने चाहिए, साइंस के भी होने चाहिए, इकोनॉमी से भी रिलेटेड होने चाहिए, और बहुत सारे जितने भी हमारे एरियाज आते हैं, आज का हो गया, बहुत सारे एरियाज हैं, उन सब से आपको RC सब में आपको डील करना आना चाहिए। रीज़न, पहली बात तो पेपर में मुझे नहीं पता किस एरिया से RC आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है कैट का एग्जाम है। अब समझने की कोशिश कीजिए कैट ये RC क्यों लेता है, आई मीन व्हाई दिस पेपर, कैट का पर्पज समझो। उसका पर्पज है कि वो देखना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। मतलब आप कल को यार आप MBA करोगे, MBA करके आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, राइट? किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाओगे, उसकी CEO बनोगे, खुद की कंपनी चलाओगे, उसके मालिक बनोगे, तो यार आपको रीड करना नहीं आता, अगर आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सकते हो, किसी की पॉलिसी नहीं पढ़ सकते हो, लॉ की टर्म्स नहीं पढ़ सकते हो, समझ ही नहीं आएगा तो आप काम कैसे करोगे, मैनेजमेंट चलाओगे कैसे? तब समझिए, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन से पहले वो आपको जज कर रहे हैं कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, और मोर ओवर क्या आपके अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड है। तो अगर आज आपके अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड है, आप सीखना चाहते हो, उस चीज़ की अर्ज है, तो वो आपको शेप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को, मोटिव को ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि आपको सारे दायरे की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारे फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ हो ना हो लेकिन थोड़ी 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 सबकी होनी चाहिए। प्लस इसका एक रीज़न ये भी होता है कि भाई कैट का एग्जाम हर कोई भरता है, ठीक है, सभी फील्ड्स के लोग भरते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि इंजीनियरिंग वाले भरते हैं, साइंस वाले भरते हैं, आर्ट्स वाले भरते हैं, सब फील्ड से लोग आते हैं, तो ताकि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके, किसी को एक एडवांटेज ना हो कि भैया ये तो इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग वालों को एडवांटेज होगा, तो वो सारे का कॉमन लेके चलते हैं।
इसीलिए आपको सारे एरिया से, आप जहाँ से भी सोर्स जो भी करेंगे, आरसी के बहुत जगह से आपको मिल जाएंगे। मैं तो हमारी तो खुद की बुकलेट है, हमारा मटेरियल है, हम उसे प्रिपरेशन कराते हैं। नहीं तो आप कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स, बहुत साल पुराने 1992, 1993, 1994, 1995, उनके पेपर्स उठा के देखिए, बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स एवर। कैट की तैयारी करो, कैट के पेपर्स पढ़ो, और उसमें बहुत सारे अलग अलग डोमेन से आपको मिल जाएंगे। उससे दूसरी चीज़ ये बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर मान लीजिए आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन इकोनॉमी वाला सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक है, अगर मैं उसमें कम्फर्टेबल नहीं हूँ, तो पेपर में जैसे 4 RC आते हैं, 16 क्वेश्चन आपके RC से आएंगे, जैसे पिछले 2 साल से तो 22 क्वेश्चन का, 22-23 क्वेश्चन का सेट आ रहा है पूरा, जिसमें से हमारा 70 तब तकरीबन 70% पेपर जो होता है हमारा RC का होता है, 16 क्वेश्चन के करीब है, बाकी के बचे जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे BA के होते हैं, ठीक है। तो जो अगर 16 RC है, उसमें से 4-4 RC का अगर मैं बनाऊँ, 4 RC में मान लीजिए ये ऑब्जर्व भी किया है कि जितने भी हमारे 99% भी हैं या 90%+ हैं, वो 4 में से 1 RC छोड़ ही देते हैं। तो कौन सा RC छोड़ना है, उसके लिए मुझे तो पता होना चाहिए कि भैया मेरा वीक एरिया कौन सा है, मैं किसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास 40 मिनट का स्लॉट है, अभी की न्यूज़ के हिसाब से अभी इस बार भी शायद 40 मिनट का ही पेपर होगा, तो 40 मिनट के स्लॉट में मैं को ये जज करूँ, मैं पढ़ के पूरा RC छोड़ूँ, वो तो सेंस नहीं बनाता। तो अगर मुझे पहले से ही पता है यार इकोनॉमी का सेक्शन है, मैं थोड़ा अटकूंगी इसमें, तो इट्स बेटर कि मैं उसको उस मोमेंट के लिए छोड़ दूँ, मे बी टाइम बच गया, जो जिंदगी बचता नहीं है, बट बच भी गया तो बाद में आ जाएंगे उस पर। तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस तो करोगे ना, पहले 10 चीज़ों में हाथ दोगे तो पता चलेगा कौन सा आपका फोटे नहीं है, ठीक है। तो सारे एरियाज़ की डेली के 2-2 RC आपने करने हैं, मंडे टू फ्राइडे 10, उस हिसाब से हमारे 4 महीने के अभी तक 160 RC हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की, जो है हमारा फर्दर RC, विच इज मॉक्स देना, ठीक है। मॉक्स तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, मॉक्स तो मस्ट है ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मॉक्स एंड कैट पेपर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉक्स तो आपने देने ही देने हैं। मॉक्स के लिए आई एडवाइस, ये आपके ऊपर है, आप अपना स्ट्रैटेजी बना के देखिए, अपना स्केड्यूल बना के देखिए, तो आई एडवाइस आप सैटरडे को मॉक दीजिए, ठीक है। उस मॉक में आपके 4 RC आएंगे, हफ्ते में एक ही दे दो, बेशक से 2 दे सकते हो तो सोने पे सुहागा है, बट बेयर मिनिमम एक तो दोगे ही दोगे, है ना। तो अगर एक मॉक दे रहे हो, 4 RC उसमें, 4 RC करते करते अगर मैं इस हिसाब से पेपर तक का हिसाब लगाऊं, 4 RC, 1 महीने में 16 RC और पेपर तक 64, ठीक है, तो 64 RC आप कर लेंगे अगर मैं मॉक के 4 RC को करूं। बट येस टू नॉट थिंक कि एक बार मैंने, बहुत से बच्चे ऐसे ज़रूर करते हैं कि एक बार मैंने पेपर में जो मैंने मॉक दिया वो RC एक बार पढ़ लिया, मेरे उसमें यार कई बार क्या होता है कि तुक्का भी लग जाता है, मुझे खुद नहीं पता होता उस मोमेंट पे कि आंसर क्या है, एंड हम पेन भी नहीं लेते हैं दोबारा से जाकर के देखने का कि इसका आंसर ऐसा क्यों था, मैंने सही लगाया, हम तब खुश हो रहे होते हैं कि यार मेरा तो सारा सही है, कौन देखेगा जाकर के, भाई देख लो एक बार, अब भी देख लोगे ना, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे जितना पसीना बहा लोगे ना, मुझे भी आ रहा है वैसे, प्रैक्टिस के टाइम पे जितना पसीना बहा लोगे एक्चुअल बैटल में उतना कम खून बहाना पड़ेगा आपको, एक्चुअल बैटल आपका एग्जाम है, D-Day फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप जितने भी RCs, जितने भी मॉक्स कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कीजिए, मॉक्स में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है डू देम फिर से, अगर आपको कोई RC लग रहा है कि यार इस वाले पेपर का ये RC में मैं अटका था, अटकी थी, डिफिकल्ट है, उसको मार्क करके रख लो, बुक मार्क का ऑप्शन आता है अपनी कहीं पे पेपर में साइड में लिख लो, इस मॉक का ये वाला RC है जो मुझे दोबारा करना है, दोबारा करना है, अनकंफर्टेबल होता है, अनइजीनेस भी समझ नहीं आया, अपने टीचर से समझना चाहते हो, या फिर इतने सारे प्लेटफॉर्म बच्चे ज्वाइन करके रखते हैं, फोटो खींच के डाल दो, पूछ लो कि भैया ये हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आजकल तो ग्रुप व्हाट्सएप पे हो गया, टेलीग्राम हो गया, आप इन सब पे डिस्कस कर सकते हैं RCs वगैरह को, ठीक है। तो मेरा पॉइंट इसमें कहने का ये है, अपने फर्स्ट पॉइंट में था मैंने दिल के 2 RC करने हैं, सेकेंड पॉइंट में आपने मॉक देने हैं, और अगर वीक का एक मॉक हो गया और अगर 2 दे लिए तो आप 64 × 2 128 RCs तो आप कैसे हो जाएंगे, ठीक है। सेम हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि है कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स, यस, ठीक है। कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स, जब मैंने अभी पॉइंट नंबर 1 में भी बोला था आपने कैट के RC कर लोगे, कैट के RC सोर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप जिसका एग्जाम दे रहे हो आप उसी के ही RC कर रहे हो, एंड आपको अलग अलग डोमेन में RC मिल जाएंगे, आपको यहाँ वहाँ सब जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैट पेपर्स का मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर्स के एटलीस्ट 5 साल के पेपर्स आपने करने ही करने हैं मास्क, अगर 1992 से आप करते आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 2017 ऑनवर्ड्स को मान के चलिए, तो 2017 के 2 स्लॉट हो गए, 2018 के 2, 2019 के 2, 2020 एंड 2021 के 3 स्लॉट्स हो गए, तो 2, 4, 6, 3, 9, 10, 12 स्लॉट्स के अगर हम RCs कर ले, और पिछले 2 साल से तो चलो ठीक है 3 या 4 RCs आए हैं, लेकिन उससे पहले तो 5 RCs आते थे, ठीक है, 64 RC आपके अगेन हो जाएंगे। तो यू कैन डू वन थिंग, मंडे टू फ्राइडे आप 2-2 RC रखिए, सैटरडे को आप अपना मॉक दीजिए, एनालाइज इट वेल प्रॉपरली,
संडे को आप कैट का एक पेपर दे दो इनमें से 2017 ऑनवर्ड, ठीक है? तो आपके कैट के जो मंडे टू फ्राइडे में कर रहे हो वो आरसी भी हो जाएंगे एक्चुअल पेपर कैट के, ठीक है? और जो आप संडे को कर रहे हो वो भी हो गया, एंड देन मॉक, बीच में मॉक थोड़ा हाई लेवल रखा जाता है ताकि आप कैट इजीली निकाल सके, ठीक है? तो आप हाई लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप एक्चुअल पेपर्स भी कर रहे हो, मॉक की तैयारी भी कर रहे हो। बट इसी के साथ एक चीज जरूर रखिएगा कि आप बीच बीच में कंसोलिडेट जरूर करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि हम बस पढ़े जा रहे हैं और कंसोलिडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। कंसोलिडेशन या रिवीजन की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बहुत बार एम्फेसिस करती हूँ मैं, हर वीडियो में बोलती हूँ, देखो मेरा काम तो बोलना है, आपको समझाना है, समझना ना समझना तो आपके ऊपर है, ठीक है? मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आप करेंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा उसमें, राइट? ओके, तो हम अगर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 को कंसोलिडेट करें तो पॉइंट 1 से हमें 160 आरसी मिले, पॉइंट 2 से 64 मिले, पॉइंट 3 से 64 मिले, अगर हम तीनों को मिला दें तकरीबन 300 आरसी। तो हम अब से भी पेपर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 300 आरसी कर लेंगे। ये मैंने बेयर मिनिमम बोला है यार, अगर आप दो मॉक देना चाहते हो तो अपने आरसी उस हिसाब से बढ़ा लो, तकरीबन आपके 350 से भी ऊपर आरसी हो जाएंगे, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि 2 आरसी अभी कम लग रहे हैं तो 3 आरसी कर लो, 2 आरसी बहुत है, 3 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं और भी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको करनी चाहिए, ठीक है? तो बैलेंस कर सकते हैं आप ना। चौथा पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए वो है आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। बहुत से लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने से मतलब इतना बेनिफिट नहीं होता, बट पर्सनली मैं बताती हूँ इसे बहुत बेनिफिट होता है। पहली बात, हम में से अगर मैं बात करूँ तो 70-80% लोगों को रीडिंग की आदत ही नहीं होती। हम लोग पढ़ने से, रीडिंग से इंग्लिश में बहुत जी जुड़ाते हैं और हम एम करते हैं कि हम टॉप लेवल के एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है? तो उसके लिए कैसे शुरुआत तो करोगे आप, ठीक है? अपने आप को इतना कंफर्टेबल बनाओगे तो सही। और हमें दैट टू डे की न्यूज़ का पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दिन दुनिया में, ठीक है? तो उसके लिए बेस्ट होता है एक तीर दो शिकार। पहला कि हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, दूसरा हमें आसपास की नॉलेज भी मिल जाएगी जो हमारे इंटरव्यू के टाइम पर भी बहुत हेल्प करता है। पढ़ना तो देखो हमें तब भी है, आई नो क्वेश्चन आता है कि यार पहले वहाँ तक तो पहुँच जाए वो तो बात की बात है, पर देखो ज्ञान कभी वेस्ट तो जाएगा नहीं। आप आज ही चीज़ पढ़ोगे तो 4 लोगों के बीच में जब बैठोगे वो कॉन्फिडेंस अलग ही बोलता है कि आपको ये वाली चीज़ आती है, आपको खुद मन करेगा कि आप इंग्रॉस्ड हो कॉन्वर्सेशन में, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैम सेम कि पूरा आईएएस वालों की तरह लिख के बैठ जाओ पूरे घंटे 2 घंटे तक न्यूज़पेपर चाट रहे हो पूरा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। सिर्फ एडिटोरियल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं द हिंदू का बताऊं, द हिंदू में पेज नंबर 6 या 8 के करीब में एडिटोरियल का सेक्शन आता है, 6 या 8 पर, कभी कभी 10 पर भी होता है, एडिटोरियल का सेक्शन होता है जिसमें लेफ्ट साइड पर 4 एडिटोरियल्स होते हैं, 2 ओपिनियंस होते हैं छोटे छोटे एंड 2 बड़े वाले होते हैं, राइट साइड में भी होते हैं। मतलब ये तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 8 के 8 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। शुरुआत में हर कोई 2 से शुरू करता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बिल्ड कर लेते हो अपनी सिटिंग कैपेबिलिटी, ठीक है? तो आप 4 पर आ जाओगे। तो अभी आप एक छोटा आरसी पढ़ लो, छोटा ओपिनियन वाला, और एक बड़ा पढ़ लो, ठीक है? और बाकी की हेडलाइन पढ़ लो कि भैया क्या चल रहा है न्यूज़ में। उसकी द हिंदू की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है कंपैरेटिवली बाकी के इंडियन न्यूज़पेपर्स की, मैं बात करूँ तो पढ़ाई के हिसाब से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती है, ईडियम्स वगैरह यूज़ ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझ सकते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट ज़रूर आता है कि क्या मैं वो कैब इम्प्रूव करनी चाहिए, उससे वो डिपेंड करता है कि आपका वो कैब का ऑलरेडी लेवल कितना है। अगर मेरा बहुत ख़राब है तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे ऐसी कुछ समझ ही नहीं आएगा ओपिनियन में क्या लगता है, तो मुझे जा जाके वो वर्ड चेक करने चाहिए। उसके लिए जस्ट ट्राई, पहले जब आप फ्लो में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फ्लो में कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझिए कि क्या कहना चाहता है, मार्क दैट वर्ड, एंड बाद में वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बट यार जब लेवल थोड़ा खराब है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, एम हाई इतना सेट किया है तो। इट इज़ नॉट अनअचीवेबल एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, बट येस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। जो हम अगर एफर्ट पुट इन करते हैं तो हम डेफिनेटली वो एम अचीव कर लेंगे, ठीक है? तो आप उसके लिए आप मार्क कर सकते हैं उस मोमेंट पे, एंड देन लेटर ऑन आप उसका मीनिंग चेक कर लीजिए कि ये मीनिंग है। कुछ टाइम बाद देखोगे सेम ही वर्ड्स रिपीट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वर्ड्स बाद में समझ नहीं सकते। और जिनको थोड़ा बहुत समझ आता है कि वो कॉन्टेक्स्ट में से समझ जाते हैं, इतना ज़्यादा डेप्थ में वो कैब की जाने की जरूरत नहीं है, तो फॉर कैट एग्जाम स्पेसिफिकली वो कैब नहीं पूछता है। बट येस फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी वो कैब अच्छी होनी चाहिए, नॉट टू हाई। जैट में वो कैब अच्छी खासी पूछता है, ठीक है? तो जैट में फिल इन द ब्लैंक्स इतने टफ होते हैं कि मुझे वो कैब का मीनिंग ही नहीं पता, मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वो खराब हो जाएगा, बहुत गलत आंसर हो जाएगा। तो इफ यू आर ओनली फोकसिंग कैट एग्जाम के लिए तो ठीक है, आप रफा दफा सा टाइप्स कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट, बट मीनिंग समझ आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं कॉन्टेक्स्ट में कि भाई पॉजिटिव टोन बोल रहा है, नेगेटिव टोन बोल रहा है, खराब बोल रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है,
इतना समझ आ गया तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बाकी के एग्जाम्स भी एस करना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं कि ऐसे पैसा नहीं कि कैट ही देना है, जैक वैट भी देना है, तो आई वुड सजेस्ट कि देख लो, उस मोमेंट पे मत देखो लेकिन बाद में जाकर के हल्का देख लो। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस मोमेंट पे हम हीट ऑफ द मोमेंट होता है, पूरा आर से समझ आया हुआ था, एक बार गूगल ही तो चलाना है यार, कितनी देर लगती है। नोटबुक में मत लिखो, एक बार गूगल चलाओ, देख लो कि क्या मीनिंग क्या था। अच्छा जैसे वाई आया, वी आई ई वाला वाई, तो क्या मीनिंग क्या कह रहा है, ओके चल ठीक है कम्प्लीट करना है। अगर कोई वर्ड 10 बार आएगा, मैं 10 बार गूगल करूंगी, 11वीं बार स्टे हो जाएगा माइंड में कि हाँ मैंने पढ़ा था सामने ये था, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे, 50 वर्ड्स अगर आपने गूगल किए, उस 50 में से 10 वर्ड्स तो आपको याद रहेंगे, तो आपने अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में 10 वर्ड्स तो ऐड किए, ठीक है। विलिंगली कॉन्शियसली फोर्सफुली मत कीजिए, बट मज़े मज़े में कर लो, मज़े मज़े में सब हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप आर्टिकल कहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे अभी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की बात की, ठीक है, उसी के साथ साथ आप द गार्जियन न्यूज़पेपर आता है वहाँ से पढ़ सकते हैं, ईऑन आता है, मिंट आता है, आप वहाँ से पढ़ो, ये बहुत अच्छे सोर्स है आरसीस के लिए। एंड एक्चुअल कैट एग्जाम में ईऑन, द गार्जियन, इनसे आरसीस उठाए जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अब की बार का पेपर आई एम बैंगलोर वहाँ से बनाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं, बट वहाँ से आते हैं, क्योंकि यार वो कहाँ से लेकर आते हैं, ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ चल रही है। अब किसी भी कैट पेपर को उठा के देख लो, करंट अफेयर्स टाइप का चल रहा होगा, ठीक है। मतलब जो हिस्ट्री विस्ट्री है वो एक अलग चीज़ है, हिस्ट्री का तो देखो, हिस्ट्री एंड साइंस तो एक स्टैटिक्स टॉपिक्स हो गए, या फिर कोई वॉर से रिलेटेड आ गया, जैसे पेंडेमिक से रिलेटेड आ गया, तो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना, या फिर पेंडेमिक जैसे चाइना के साथ जो क्लैशेस चल रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, या श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अगर उसी के ऊपर कुछ आ गया तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो किसी न्यूज़पेपर से ही उठा करके डाला जाता है, ठीक है, और उसके बेस्ड ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अगर अभी से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसी की लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो पेपर में आपको आरसीस की लैंग्वेज बहुत इजी लगेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हम कैसे आरसीस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े। उसी के साथ साथ हमारा एक फोर्थ पॉइंट भी है, विच इज़ नॉवेल्स रीडिंग। इसमें बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, डिस्कशन होता है, सुनने में आता है कि यार नॉवल क्यों पढ़ना, कैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, नॉवल का क्या है, कहानी होती है नॉवल में, तो फिक्शनल है, क्यों पढ़ेंगे हम, इससे कौन सी हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, ये सब चीज़ें पॉइंट दिमाग में आते हैं। बट लेट मी टेल यू, क्या आप आरसी जब आप पढ़ते हो तो डू यू रियली एंजॉय इट? इफ़ यू डू एंजॉय इट देन ठीक है, आप नॉवल स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप इसको एंजॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपको रीडिंग की आदत है, या बहुत सालों से रीड कर रहे हो तो आपको रीडिंग एंजॉयबल लगती है। लेकिन अगर मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं है, मुझे एक एडिशनल टास्क लग रहा है इसको एज करना, जो मुझे लगता है कि बहुतों को वर्बल में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर इतना ही केक वॉक होता तो शायद मैं आज ये वीडियो ना बना रही होती, हर कोई एज कर ही रहा होता उसको, ठीक है। नॉवल रीडिंग का बेनिफिट ये होता है, देखो एक होता है ना, पेज पलटने के लिए कुछ चाहिए होता है हमें, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा हम पढ़ रहे हो। जब आरसी आप पढ़ रहे होते हो ना, हमारा माइंड डेटा को याद रखने की कोशिश करता है, रखना नहीं चाहिए, हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, अब जस्ट समझना चाहिए हमें आरसी का। लेकिन फिर भी ह्यूमन ब्रेन है, फंक्शन ऐसे ही करता है, हमें ऐसा लगता है कि भैया जो ऑथर पूछेगा हमें यहाँ से पढ़ना है, वो हम ऐसे इन्जॉय नहीं कर पाते। उस चक्कर हम क्वेश्चन के आंसर देने में इतना रहते कि हमारा ब्रेन इतना थक जाता है। पर आप एक बात बताओ कि 2 आरसी पढ़ने में मैक्स 2 मैक्स आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट में 1 आरसी आपने पढ़ लिया, मैक्सिमम आधा घंटा, आधे घंटे में आप थक जाओगे। ऐसे कैसे हो सकती है कि आधे घंटे में आप थक गए? मैथ्स करते वक्त तो बहुत लोगों को मैथ्स से या एलआरडीए करते वक्त नहीं होता, बिकॉज यू एन्जॉय दैट थिंग, ठीक है। बहुत लोगों का है, बहुतों को नहीं भी इंजॉयबल लगता मैथ्स एंड एलआरडीए। बट नॉवल रीडिंग में क्या होता है, एक कहानी चल रही है, एक फिक्शन चल रहा है, बहे जा रहे हो कहानी के साथ, तो वहाँ पे आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो इनिशियली अगर आपको ऐसे लग रहा है, आप किसी कोई भी एक अच्छे ऑथर की नॉवल पढ़ लो, जैसे अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रायलॉजी है, बहुत अच्छी नॉवल है, ट्रायलॉजी है, 3 बुक्स का, मतलब 3 पार्ट्स है उसकी बुक के, बहुत अच्छी स्टोरी उसने अच्छे वे में लिखी हुई है, शिवा ट्रायलॉजी है, हालांकि उसकी और भी हैं ट्रायलॉजीज, ठीक है, बट ये मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको पढ़नी चाहिए। जैसे डैन ब्राउन की डिजिटल फोर्ट्रेस है, वो भी बहुत अच्छी है। डैन ब्राउन की बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो और भी अच्छे हैं, जैसे डिजिटल फोर्ट्रेस हो गया, एंजल्स एंड डीमंस हो गया, डिसेप्शन पॉइंट हो गया, वो भी बहुत अच्छा नॉवल है। उसी के साथ आप जॉन ग्रीशन का पढ़ सकते हो, बहुत सारे हैं। इफ़ यू वॉन्ट तो मैं आपको पूरा एक लिस्ट भी दे दूंगी कि कौन कौन से नॉवल आपको रीड करने चाहिए।
बट नॉवेल्स रीडिंग से यार ये बेनिफिट तो होता है कि हमारी एक तो सिटिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, दूसरा मुझे राइटिंग स्टाइल समझ में आता है. एक ऑथर लिखेगा टू फास्ट, एक ऑथर लिखेगा टू स्लो, एक ऑथर लिखता है मेरा मिस्ट्री टाइप ऑफ, एक ऑथर लिखता है कि भैया बस वही जा रहे हैं, कि पुराने ज़माने का टाइप लिखता है. तो मुझे पता चलता है कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है, मेरे को मैं कैसा इंजॉय करना पसंद करती हूँ या करता हूँ, ठीक है. तो अपने बारे में भी पता चलता है, फिर आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, फिर आप पेज पलटना शुरू करते हो. जब आप इंजॉय करने लग जाते हो ना चीज़ों को, तो आपको आरसी पढ़ना बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, और आप रीडिंग को इंजॉय करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. ये चेंजेस को मेजर करना आसान नहीं होता, ये चेंजेस ना छोटे छोटे होते हैं, एंड धीरे धीरे ये छोटे छोटे चेंजेस हमें ऐसे दिखते नहीं है स्टेप पे, लेकिन एक दिन हमारी पर्सनैलिटी में इतना चेंज कर देते हैं कि हमें लगता है कि थैंक गॉड हमने उस दिन ये स्टेप लेना शुरू कर दिया था. ये आप अपनी लाइफ को भी इंट्रोस्पेक्ट करके देख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग इसी के रिगार्डिंग, बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कैट के एग्जाम से 20-25 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ नॉवल रीडिंग करते हैं, दबा के नॉवल रीडिंग. मतलब उनको इतनी, दे आर सो वोरेशियस रीडर कि एक दिन में पूरा नॉवल ख़त्म कर देते हैं. तो उससे उनकी क्या होता है कि जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि जब आप सुबह उठते हो, नींद से उठते हो, ठीक है, नींद से उठते हो, अगर मैं आपको रीडिंग करने को बोलूँ तो सो रहे होते हो ना कि यार क्या दिमाग नहीं चल रहा, क्या रीड करने को दिया. या फिर सिमिलरली आप पेपर में जाते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वांट का क्वेश्चन, ठीक है, आपका ब्रेन नहीं चलता. चौथे पांचवे क्वेश्चन में जाके आपका इंजन वार्म अप होता है एंड देन फिर चलना शुरू होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन चले जाते हैं. इसीलिए ही कैट के एग्जाम से पहले अपने ब्रेन को इतनी रीडिंग की हैबिट डाल दी जाती है, इतनी इन्जॉय करने की हैबिट डाल दी जाती है कि जैसे ही जब मेरा पेपर आएगा, वो 40 मिनट का जो सेक्शन आता है, वो 40 मिनट का सेक्शन मुझे इतना मक्खन की तरह लगे कि मुझे लगे ही ना कि मैं कोई बर्डन वाली चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो आराम से आरसी से मक्खन की जैसे हो जाए. तो अनकॉन्शियसली यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉवल ही पढ़ते रहो और आप आरसी एंड आर्टिकल पढ़ना छोड़ दो. नहीं, प्रायोरिटी आरसी एंड आर्टिकल्स है, नॉवल इट्स अगर आप कर सकते हो, आपका टाइम अलाउ करते हो, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कीजिए. लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप आरसी भी कर रहे हो, मॉक भी दे रहे हो, कैट पेपर्स भी कर रहे हो, ऑफिस का काम भी कर रहे हो, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं आपके पास, तो ठीक है यार, कहीं तो इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो आप देन इस एरिया पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, नॉवल तो आप छोड़ सकते हो, बट इफ़ यू कैन मैनेज देन कीजिए, ठीक है. ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पढ़ लो नॉवल, ज़्यादा मत पढ़ो बेशक, फिर आपको सोने से पहले पढ़ लो, इतनी बढ़िया नींद आएगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी कि सुबह हो गए और हो डेली रात को नॉवल ही पढ़ के सोएंगे. तो ये तो रही हमारी सारी बात कि हम आरसी सेक्शन को कैसे एस कर सकते हैं. तो मैंने आपसे अब 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि हम VA सेक्शन को कैसे डील करें, उसमें हम कैसे पढ़ाई करें. VA में देखिए आपके पास 3 चीज़ें आती हैं, पैरा जंबल, पैरा समरी एंड ऑड वर्ड आउट. पैरा समरी देखिए कुछ भी नहीं है, आरसी का ही पार्ट है. अब आरसी में मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पैसेज, ठीक है. अब वहाँ पे आरसी होता है 4 पैराग्राफ का, या आरसी होता है 1 पैराग्राफ का, तो आपको बस 1 पैराग्राफ से लिखाना है, तो वो तो आपकी आरसी के साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है. तो पैरा समरी के लिए आपको अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है. यस, पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट के लिए व्हाट यू शुड डू, वैसे पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट भी आपकी कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ वगैरह से, न्यूज़पेपर से एक फ्लो में मतलब 4 लाइनें उठा ली जाती है, उन 4 लाइन को, 4 या 5 लाइन उनको हम जंबल्ड कर देते हैं, ठीक है. होता वो इसी का ही है, जैसे मतलब मान लो आपने कारसी पढ़ा, तो पैराग्राफ पढ़ा, मैं आपको बोल दूँ कि इस पैराग्राफ की सारी लाइन्स को जंबल कर दो. अब उस अगर मैंने 4 ऑप्शन में जंबल कर दिया, तो 4 ऑप्शन को अरेंज करने का कोई तरीका तो होगा. अब बस आपको वही समझना कि पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, फिर क्या चीज़ आनी चाहिए. जैसे अगर मान लो कि पहले मेरा इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मेरे बारे में बताया जाएगा, फिर मैंने जो काम किया है वो किया जाएगा. कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर होता है पैरा जंबल्स को सॉल्व करने का, ठीक है. कि पहले टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो पहले पास्ट की बात की जाती है, फिर प्रेजेंट की बात की जाती है, फिर फ्यूचर की बात की जाती है. ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि कैसे कैसे कनेक्ट करता है, कौन सा प्रोनाम किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है पैरा जंबल सॉल्व करते वक्त. बट अभी हम प्रैक्टिस कैसे करें, अगेन बहुत ईजी टास्क है, कुछ हाई फाई टास्क नहीं है. देखो मैं आपके लिए टास्क चंक्स में तोड़ के ला रही हूँ, लेकिन जब आप उसको कंसोलिडेट करके देखोगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उस टास्क का. पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट के लिए व्हाट यू हैव टू डू, डेली के सिर्फ 2 पैरा जंबल एंड 2 ऑड वन आउट. दो तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, दो तो आप कर ही सकते हो ना, 2 पैरा जंबल 2 ऑड वन आउट. बट आप इसी को ही अगर मैं कंसोलिडेट करूँ, 2 पैरा जंबल मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फिर हमने मॉक दिया सैटरडे को, सैटरडे को भी उसमें भी 2 आ गए, संडे को हमने कैट पेपर किया उसमें भी बे मिनिमम 2 आ गए, तो 2 2 2 2 अगर हम 7 दिन में करेंगे तो 14 पैरा जंबल 14 ऑड वन आउट 1 हफ्ते में हो गए. इस हिसाब से लगाएं तो 56 पैरा जंबल 56 ऑड वन आउट 1 महीने में हो गए. और उस हिसाब से 4 महीने का अगर हम लगाएं हिसाब,
यू वोंट बिलीव 224 पैरा जंबल, 224 ऑड वन आउट, ठीक है। तो मजे की बात हो गई यार, तकरीबन आप 230-250 के करीब आप पैरा जंबल ऑड वन आउट कर रहे हो, प्लस यस रिविजन। प्लीज 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 रिविजन जरूर कीजिएगा। अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना मिल सकता था, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम कर दो, 250 का 200 कर दो, लेकिन रिवीजन ज़रूर कीजिए। एक्स्ट्रा 50 करने से अच्छा है जो मैंने किया है उसको मैं 50 बार कर लूँ, ठीक है। आप एक्सेल तो करना चाहेंगे ना, मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी कर रहे हो उसमें एक्सेल करो, इंस्टेड कि पेपर में सोचो कि मैं सारे आरसी भी कर लूँ, पैरा जंप भी कर लूँ, वर्ड वन आउट भी कर लूँ, पैरा समरी भी कर लूँ, और हो जाए भैया उसमें से मेरे 15 गलत, क्या फ़ायदा। इट्स बेटर ना कि मैं 16 क्वेश्चन करूँ मेरे 12 सही हो जाएं, वो बेटर होगा कि मैंने 20-22 क्वेश्चंस कर लिए, 22 क्वेश्चंस के मान लो मैंने 20 कर लिए, 20 में से मेरे 10 गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग ले डूबेगी भैया आपको। 16 करो 12 सही हो, इतनी एक्यूरेसी रखो आप, ठीक है। तो ज़्यादा के चक्कर में कबाड़ा मत करना पेपर का, जस्ट कि जो पढ़ रहे हो उसको तसल्ली से और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डेली का अपना एक प्लान बनाओ एंड डिलीजेंटली उसे फॉलो कीजिए। 4 महीने की बात है, कमर कस के पढ़ लीजिए। अभी अपने ब्रेन को सिर्फ इतना ही बोलो 4 महीने की बात है, डू नॉट थिंक अबाउट। अच्छा ये एनमैट का भी पेपर आ रहा है ना, अभी एनमैट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो देख लेना कि एनमैट का पेपर आपको कैट से पहले देना है कि कैट के बाद देना है। विंडो तो लंबी होती है एंड दोबारा से रीटेक भी होता है पैसे देकर के उसका, ठीक है। 3 बार अलाउ करते ना, 1 बार ओरिजिनल एंड 2 बार रीटेक और दे सकते हो आप एनमैट का, तो देख लेना। अगर बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि कैट के पेपर से पहले एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है दे देंगे, तो जैसा भी यू फील कम्फर्टेबल, बट अभी कैट के बाद की ज़्यादा टेंशन मत लो, जस्ट फोकस ऑन कैट एग्जाम। डू नॉट टेक एनी प्रेशर, स्टेक पे चीज़ें लेके मत चलिएगा कि सिर्फ कैट है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। डू योर बेस्ट, लीव दी रेस्ट, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी तो किस्मत है, ऊपर वाला देख रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा आपको फल, देर या दुरुस्त मिलेगा तो सही, ठीक है। तो अभी के लिए हमने डिस्कस कर लिया आप आरसी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो डेली के 2 पैरा जंबल करने हैं, 2 ऑड वन आउट करने हैं हमने, और कुछ नहीं करना। डेली के 2 आरसी करने हैं, 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं तो डेली आप वर्बल कितनी देर करोगे, 2 आरसी आधा घंटा, 2 पैरा जंबल 15 मिनट, 2 पैरा जंबल 15 मिनट में हो जाएंगे यार, एंड 2 ऑड वन आउट 15 मिनट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 1 घंटा। पैरा समरी अगर आप करना चाहते हो, अलग से देना चाहते हो, इट्स नॉट दैट कि आपने बिल्कुल भी टच ही ना करो पैरा समरी, हालांकि मॉक एंड कैट के पेपर्स में वो कवर हो जाएगा आपका। एक्चुअली करना चाहते हो तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, तो 1.25 घंटा हो गया मेरा इसके लिए। देन हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, एक छोटा आर्टिकल एंड एक बड़ा आर्टिकल अगर हम बात कर रहे हैं तो आप 30 मिनट उसके लिए लगा लीजिए, ठीक है। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे वर्बल मुझे डेली का पढ़ना है, ये चीज़ लगा के चल लीजिए। फिर उसके बाद 2 घंटे आप कौन को दे दीजिए, 1.5 घंटा आप एलआर को दे दीजिए। 6 घंटे की स्टडी तो अभी आप करेंगे ना इस टाइम पे, राइट नाउ इतना तो भाई करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसे थोड़ी है कि केक वॉक ही समझ रहे हो आपके भाई हो गया, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बेस कहाँ पर है ऑलरेडी, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा यार। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया आधा घंटा तो आधा घंटा लगेगा, हो सकता है कि स्पीड ऑलरेडी इतनी अच्छी हो कि जहाँ मैं आधा घंटे का बोल रही हूँ आप 15 मिनट में पढ़ लो आर्टिकल्स और आरसी, और ऐसा होता भी है जो लोग वोरेशियस रीडर हैं उसका टाइम कम भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं एवरेज करके बोल रही हूँ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो डेली का 1.5-2 घंटे पढ़ लिया एंड रात को टाइम मिला तो नॉवल पढ़ लिया। नॉवल डेली नहीं भी पढ़ सकते हो तो अल्टरनेट डेज पढ़ लो यार, जैसे कल पढ़ लिया बट ऐसा मत करना आज पढ़ा है चलो तो हम पढ़ रहे हैं 7-8 दिन के बाद, कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे कि स्टोरी में हुआ क्या था, ठीक है। तो ऐसा भी मत कीजिएगा, ट्राई दिस मेथड डिलीजेंटली एटलीस्ट फॉर 1-1.5 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखिए। इफ दिस वर्क्स फॉर यू देन स्टिक टू इट, अगर नहीं वर्क करता है तो हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वी कैन भी हम सोच सकते हैं कि आपका सिनेरियो लेकर के कि आप ये चीज़ गलत करो वो गलत करो तो आपको इसको ऐसे ट्विक करना चाहिए। देखो प्रिपरेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता एंड हम बहुत से टॉपर्स की वीडियोस भी देखते हैं, उनका मेथड भी सीखने समझने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हम उनका मेथड फॉलो कर लेंगे तो वो हमारे लिए भी करेक्ट होगा। उनकी खुद की जर्नी है, उनकी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफ में हमारी खुद की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो कोई किसी की लाइफ को कॉपी नहीं कर सकता, बट हम इंस्पिरेशन लेके के देख सकते हैं कि मे बी दिस वर्क्स फॉर मी, मे बी दिस डजंट वर्क फॉर मी, तो वो वाली चीज़ को हमें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये मेथड सही लगते हैं, सूटेबल लगते हैं, तो उनको अपनाइए, अडॉप्ट कीजिए, और अगर नहीं लगते हैं तो उनमें देखिए कि कौन से वाले में आपको प्रॉब्लम लग रही है, उसको थोड़ा सा ट्विक कर लो अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से हल्का सा छेड़ लो, जो ट्विक कर लो कि भैया डेली के 2 मेरे को आर्टिकल्स बहुत हेवी लग रहे हैं, नहीं हो पा रहे, 1 कर लो, कुछ नहीं से कुछ तो करोगे, बिल्कुल भी छोड़ने से तो अच्छा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ, देखो
ओहो बहुत मेहनत करी है मैंने, तो इस मेहनत का फल दे देना भाई, थोड़ी पढ़ाई कर लो, आपका बेनिफिट होगा और आपको अच्छा लगेगा कि आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। पर्सनली जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी एक वीडियो से, हमारे एक व्यू से, हमारी एक सजेशन से किसी को बेनिफिट हुआ है, एक दो बच्चों को भी होगा ना बेनिफिट, मुझे जेन्युइनली पर्सनली बहुत खुशी होगी, सेल्फीज को बहुत खुशी होगी, क्योंकि सेल्फीज का मतलब भी एसिंग योर सेल्फ है। ठीक है, तो इसी के साथ पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं, कीप एसिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में क्वांट की लेकर आएंगे एंड हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर्स, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और आप बाकी की वीडियोस तो देखते रहना, कैट पेपर्स की जो भी हम और वीडियोस लेकर आए हैं वो भी देखते रहना। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कर दीजिएगा, इतनी मेहनत से बनाई है। ठीक है, आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है लिटरली। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योर सेल्फ एंड कीप एसिंग योर सेल्फ। बाय।